नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, सातवें विकराल आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वीरान ने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। जो वृषभ पर सवार थे, उनके पांच मुख थे और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र, उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, दस हाथ उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पीनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र, यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अध्याय 41 व 43, मैना का विलाप, भगवान शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही भगवान शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा शिवा शिव का वर्ण करेगी, मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया, विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवेश, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा, मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया, कहां गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ जी की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी, न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उसे कटु वचन सुनाने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ, तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर
चिंता की अमंगलमय राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और श्री विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को बारंबार धिक्कार है। तूने तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को भी धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा है, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने आकाश में लाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरे सिर को काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देव ऋषि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए, सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। महर्षि नारद ने कहा, पवित्रवते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो। अपनी शिवा का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये भगवान शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साह तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। अब आप लोग प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। जो कार्य सर्वतः उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बलता मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालया अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालया ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों कर रही हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार
विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं आज